सभी को नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा आठ के अंतर्गत आंकलन चौदह जो कि पेज नंबर बासठ पर हैं आइए शुरू करें इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें आकलन चौदह पेज नंबर बासठ पहला निम्न को हल कीजिए पहला प्रतिशत को बिन में बदल लिए पिचहत्तर प्रतिशत का होगा तीन बटा चार पच्चीस प्रतिशत का होगा एक बटा चार बिन को प्रतिशत में बदलिए दो बटा पाँच का प्रतिशत होगा चालीस एक बटा दो का होगा पचास प्रतिशत तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए पचास पैसे का तीन रुपये तो ये अनुपात हुआ एक अनुपात छः पाँच सौ ग्राम का चार किलोग्राम से तो ये होगा एक अनुपात आठ प्रश्न नंबर चार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दो अनुपात पाँच का समानुपात होगा छः अनुपात पंद्रह नौ अनुपात छः का समानुपात होगा तीन अनुपात दो प्रश्न नंबर दो दिए गए प्रश्नों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए देखिए ये बूझा तीन है ये चार है तो एक्स का मान यहाँ ये बूझा हो जाएगी पाँच या उत्तर लिखे पाँच दूसरा देखिए यहाँ पचास डिग्री देर का यहाँ साठ डिग्री देर का है साठ के अपोजिट होगा एक सौ बीस एक्स का मान पूछ रखा है तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक डिग्री होता है पचास और साठ को जोड़े अपन ने तो ये होगा एक और 180 में 110 बाकी निकालेंगे अपन तो ये हो जाएगा 70 डिग्री एक्स का मान हो जाएगा यहाँ 70 डिग्री इसी प्रकार यहाँ एक्स का मान पूछा हमें इधर सित्तर दे रखा है तो इधर भी सेम आ जाएगा 70 तो ये सत्तर आ गया तो इन दोनों का मान पूछा हमें एक सौ अस्सी में हम सत्तर बाकी निकाल लेंगे तो एक सौ दस बचेगा एक सौ दस में दो का भाग लगाए तो ये प्रत्येक कौन हो जाएगा पचपन डिग्री और ये भी हो जाएगा पचपन डिग्री दोनों को पचपन कर दें प्रश्न नंबर तीन सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो ये होगा सम्धिभा त्रिभुज प्रतिच्छेद रेखाओं से बनने वाला कौन शीर्षा अभिमुख कौन होगा एक रेखा जो एक या दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं से काटती है वो होगा समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समान हो एक कोण समकोण हो तो वो होगा इसको एक कोण समकोण हो उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे और ये इसको इस त्रिक्ष छेदी को इससे मिला देंगे प्रश्न नंबर चार एक वृत्ताकार सतह वाली मेज, जिसका व्यास अट्ठाईस सेंटीमीटर है इस मेज की वृत्ताकार सतह के चारों ओर घेरे पर रंगीन पेपर चिपकानी है आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें इसमें हमें व्यास दे रखा है अट्ठाईस सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे अट्ठाइस में दो का भाग लगाएंगे चौदह सेंटीमीटर और परिधि ज्ञात करने के लिए टू पाई आर सूत्र है दो इंटू बाईस वा सात इंटू चौदह बराबर इसकी उत्तर आ जाएगा अट्ठासी सेंटीमीटर प्रश्न नंबर पाँच है एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई तीन पॉइंट पाँच मीटर तथा चौड़ाई दो पॉइंट पाँच मीटर है तो उसके चारों ओर कोटा किनारा बनानी है तो आवश्यक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए देखिए तीन पॉइंट पाँच और दो पॉइंट पाँच इंच को दोनों को जोड़ लेंगे और इसको दो से गुणा कर देंगे दोनों की जोड़ हो जाएगी हमें छ और छः को दो से गुणा किया छ इंटू दो बराबर बारह मीटर उतरा जाएगा अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उसमें उंगली लगाएं प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी वहाँ सभी कार्यपत्रकों के हल करके हमें डाल रखे हैं सभी के हल वहां से आप एक साथ भी देख सकते हैं धन्यवाद